हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था बरका नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरका की सिस्टर का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। सारी पुलिस फोर्स बरखा के सिस्टर को छुटकी को ढूंढने में लगी हुई थी। यहाँ बरखा, नेहा, मैनेजर, जितने भी इनके सोर्सेस थे सब इन्होंने लगा रखे थे, पर कोई भी अभी तक छुटकी का पता नहीं लगा पा रहा था। वहाँ दूसरी तरफ किडनैपर छुटकी को फोर्स करते हैं कि वो बरखा को कॉल करके यहाँ बुलाए, पर बरखा मना कर देती है। वो कहती है, मैं अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हें यहाँ कॉल करके नहीं बुलाऊंगी। हाँ, अगर तुम लोग को पैसे चाहिए तो वो मैं तुम लोग को दिला सकती हूँ, पर उनकी एक ही शर्त है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम अपनी दीदी को कॉल करके यहाँ बुलाओ। जिस पर छुटकी बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो छुटकी को थप्पड़ मार के बोलता है, अगर तुमने अपनी दीदी को यहाँ नहीं बुलाया तो तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट है सोचने के लिए, सोच लो। उसके बाद अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पे लड़कियाँ मरना कबूल करती हैं पर सर्वाइव करना बिल्कुल नहीं। इतना बोल के वो किडनैपर वहाँ से बाहर चला जाता है। छुटकी रोने लगती है, वो कहती, दीदी कहाँ हो आप, प्लीज़ आ जाओ, मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ। आई नो दीदी, हम मुझे ढूंढ रही होगी। नेहा दीदी, मुझे आप पे भी विश्वास है, आप पक्का मुझे ढूंढ निकालोगी। 5 मिनट खत्म होने के बाद किडनैपर फिर से आता है छुटकी के पास और उसे अपना मोबाइल देते हुए कहता है, कॉल कर अपनी बहन को, उसे यहाँ बुला। छुटकी उससे मोबाइल ले लेती है और कहती है, ठीक है एक शर्त पे कॉल करूँगी। जिस पर किडनैपर बोलता है, क्या? छुटकी कहती है, पहले मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। कहते हैं, क्या सॉफ्ट ड्रिंक? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? किडनैपर हूँ तेरा, तू पिकनिक पे नहीं आई यहाँ पे, समझी? किडनैप किया है मैंने तेरा, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलेगी। जिस पर छुटकी बोलती, फिर ठीक है, मैं भी अपनी दीदी को कॉल करके यहाँ नहीं बुलाऊंगी। इस पर किडनैपर बता, ओके ठीक है मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के वो किडनैपर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और वो इतना कोई स्टूपिड था कि अपना मोबाइल छुटकी के पास ही भूल जाता है। छुटकी जल्दी से बलखा को वहाँ की लाइव लोकेशन सेंड करती है और जल्दी से जो है वो कॉल लगा देती है। तभी किडनैपर आ जाता है, कहते ए फ़ोन दे के गया था, फ़ोन दे मुझे। जिस पे बरखा बोलती है, चुटकी बोलती है, फोन फोन तो आप साथ लेके गए थे भैया, देखिए वहीं आप जहाँ सॉफ्ट ड्रिंक लेने गए थे ना वहीं कहीं रख दिया होगा, जाओ देखो वरना इससे पहले कोई और उठा के चला जाए। अब कहना पे तब बेवकूफ़ था कि वो सच में वापस शॉप पे चला जाता है जहाँ वो सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए गया था। यहाँ छुटकी कहती, दीदी दीदी प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, आप यहाँ अकेले मत आना, इसे पैसे नहीं चाहिए, इसे आप चाहिए, इसकी इंटेंशन सही नहीं है, ये बहुत ख़राब आदमी है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है, दीदी प्लीज़ पुलिस के साथ आ जाओ। तब बोल के छुटकी जल्दी से कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर देती है और अपनी दीदी का नंबर भी और इवन जो उसने मैसेज किए थे, लाइव लोकेशन सेंड की थी, वो भी मोबाइल से डिलीट कर देती है और मोबाइल जो है वो अपनी चेयर से थोड़ा दूर फेंक देती है। तभी वो किडनैपर वापस आता है, कहते हैं लड़की साफ साफ बता दे मोबाइल कहाँ है, शॉप पे नहीं था। जिस पर छुटकी बताई, रास्ते में शायद आपने कहीं गिरा दिया होगा, आप एक बार अच्छे से देखो। मैं भला यहाँ से कैसे उठ सकती हूँ, मेरे तो हाथ भी बंधे हैं, है ना, मैं भला कैसे उठ सकती हूँ, पाँव भी बंधे, आपने तो बांधे थे। जिस पे बेचारे किडनैपर अपना सर खुजाते, कहते कह तो ये लड़की सही रही है, तो उसके हाथ पैर बांधे थे। तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसे छुटकी की चेयर से थोड़ा ही दूर मोबाइल की रवा मिलता है, वो उठाता है फ़ौरन हिस्ट्री चेक करता है, पर वहाँ तो कोई नंबर नहीं था। वो उससे लगते शायद मैंने सच में गिरा दिया होगा। मैं कहता ले तेरे सॉफ्ट ड्रिंक और अब कॉल कर। छुटकी बोलती, पहले मुझे ये पीने तो दो। छुटकी पीने के बहाने टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि वहाँ बरखा और नेहा पुलिस के साथ आ जाए। वहाँ दूसरी तरफ बरखा, नेहा, मैनेजर, ये सब पुलिस को लेके छुटकी के भेजे लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ छुटकी जानबूझ के बहुत स्लो स्लो ड्रिंक कर रही थी। तभी किडनैपर बोलता है, ए लड़की आज के दिन तेरी ये ड्रिंक खत्म होगी या नहीं, हाँ मेरा हाथ थक गया जल्दी पी। छुटकी बोलती, मेरा हाथ खोल दो ना फिर मैं खुद पकड़ के पी लूंगी। जिस पर किडनैपर बोलता, पागल समझ रखे है क्या मुझे? तो छुटकी हंसते हुए थी मन में, तुम तो हो ही पागल, स्टूपिड कह के गांठ बांधनी भी नहीं आती, इतनी धीरे बांधी थी कि मैंने इतनी आसानी से खोल ली। और उसके बाद छुटकी हंसते हुए थी, शायद ये सब नेहा दीदी की वजह से आ गए, मुझे ट्रेनिंग ना देती तो शायद मुझे गांठ खोलनी कभी आती ही नहीं। और छुटकी तब बोल के हंसने लगती है और याद करती है कि एक दफ़ा नेहा ने किस तरह उसे
ट्रेनिंग करी थी कि अगर किसी दिन तुम्हें कोई किडनैप कर ले तो तुम किस तरह खुद को बचा सकती हो, कान खोल सकती हो, रस्सी के वहां से भाग सकती हो। इस बारे में सोच के छुटकी हंसने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ नेहा बरखा दोनों बहुत परेशान होते हैं। दोनों ही फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे ताकि जल्दी से लोकेशन तक पहुंच सके। यहाँ दूसरी तरफ किडनैपर बोलता बस बहुत हो गया तेरा ड्रिंक, चल अब नंबर मिला। जिस पे चुटकी होती वो एक्चुअली मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गई, मुझे मेरी दीदी का नंबर नहीं आता ना, आपने किडनैप किया तो आपको तो पता होगा ना, मैं अभी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नंबर याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो पढ़ा भी नहीं जाता। बस आपने अच्छा किया मुझे स्कूल से किडनैप कर लिया। हाँ मैं तो जो कहती हूँ कि आप मुझे वापस ही मत भेजना, वापस जाऊँगी तो दीदी ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, स्कूल कौन जाए, मैं तो नहीं जाऊँगी, इससे अच्छा मैं यही बंद कमरे में अंधेरे में गुजारा कर लूँगी। जिस पे मैनेजर कहते तेरे बुआ का लड़का लगता हूँ मैं, हाँ जिसके सामने फरमाइशें करी है, मुंह बंद करो चुपचाप नंबर मिला, मुझे पता है तुझे नंबर आता है। चुटकी बोलती आता तो नहीं है पर ट्राई कर सकते हैं, शायद सही नंबर लग जाए। चुटकी इतना बोल के बरखा का नंबर डायल करती है पर उसके लास्ट के जो 5 to 4 digits है वो जानबूझ के बदल देते हैं ताकि किसी और को नंबर लग जाके लगे। चुटकी जैसे ही नंबर मिलाती है तो किडनैपर जो है वो स्पीकर पर मोबाइल ला देता है और पता चलता है कि आपने जो नंबर मिलाया वो तो नंबर दुरुस्त है नहीं, मतलब रीडायल करो, नंबर आपका सही नहीं है, रीचेक करो। जिस पर किडनैपर जो है वो घूरने लगते हैं छुटकी को। छुटकी बोलती है मैं तो पहले ही बोला था ना मुझे मेरी दीदी का नंबर नहीं आता, अच्छा ठीक है मैं फिर से ट्राई करती हूँ, शायद अब की बार सही नंबर लग जाए। इतना बोल के छुटकी एक और नंबर डायल करती है और इस बार रिंग हो रही थी, जिस पर किडनैपर खुश हो जाता है। छुटकी कहती देखा इस बार सही नंबर लग गया, पक्का दीदी उठा लेंगी। तभी सामने से कोई कॉल अटेंड करता है और बहुत भारी आवाज़ से बोलता है कौन, जिसे सुनते ही एकदम तो बेचारा किडनैपर ही डर जाता है और छुटकी हंसने लगती है। और फिर किडनैपर बोलता है तू कौन है, तो तूने कॉल किया तू बता तू कौन है। किडनैपर उससे आर्ग्यू करने लगता है और छुटकी हंसने लगती है, वो तो यही चाहती थी कि बस किसी भी तरह टाइम वेस्ट हो जाके, वो उस किडनैपर का वेस्ट कर भी रही थी। वेल यहाँ थोड़ी देर के बाद ही बरखा ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो किडनैपर होता है उसे कुछ आवाज़ आती है, कहते यहाँ पे कौन आ सकता है, तो यहाँ की लोकेशन किसी को नहीं दी, तो वो छुटकी को घूरने लगता है। छुटकी बोलती भाई साहब किडनैपर साहब मैं तो आपके सामने ही हूँ ना, मैंने बोला कहाँ किसी को कॉल किया, हाँ मोबाइल तो मेरे पास आया नहीं, आपके सामने आप कॉल करिए वो भी गलत नंबर लग रहा है। जिस पर किडनैपर कहते हैं ए मुंह बंद कर, अगर तूने थोड़ी भी सलाखी की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना बोल के किडनैपर तुरंत तो अपने गन निकाल लेगा और उस रूम से बाहर आ जाता है। इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसके हाथ पे कोई फायरिंग कर देता है जिससे किडनैपर की गन नीचे गिर जाती है। किडनैपर तुरंत रूम के अंदर जाने लगता है जिस रूम में छुटकी थी, पर तभी छुटकी अपने हाथ की रस्सी जो ऑलरेडी खुली हुई थी उसने बस यूं लपेट रखी थी उसे खोल के, पैर की रस्सी खोल के बाहर आ जाती है। और किडनैपर उसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, तेरे हाथ पैर तो मैंने खुद बांधे थे। जिस पे वो बोलते हैं कि लगता है कि तुम अभी कच्ची हो अपने काम में, तुम्हें गांठ बांधना भी नहीं आता। इतने में ही वहाँ बरखा आ जाती है, बरखा कहती है छुटकी तो ठीक था ना। छुटकी भाग के बरखा को हक कर लेते हैं, तभी नेहा आ जाती है और नेहा उस किडनैपर को पकड़ के एक जोर से थप्पड़ मारती है और पुलिस को दे देते हैं उस किडनैपर को। छुटकी बोलती है कि नेहा दीदी थैंक यू सो मच, अच्छा आपने मेरी जान बचा ली। नेहा बोलती पर मैंने क्या किया। जिस पर छुटकी बोलती है कि अगर आपने मेरी वो प्रैक्टिस ना करवाई होती तो आज मैं कभी भी अपने हाथ ना खोल पाती, ना ही बरखा दीदी को कॉल कर पाती, ना लोकेशन भेज पाती, तो आप लोग मुझे कैसे ढूंढते। नेहा दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो। जिस पर नेहा बोलती तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें कुछ। जिस पर छुटकी बोलती नहीं नहीं उससे बस एक थप्पड़ मारा था। बरखा बोलती क्या उसने हाथ उठाया तो उस पर उसकी, तो बरखा पुलिस वाले को कहते रुको और किडनैपर को पकड़ कर जोर से पीटने लगती है, क्या चाहते थे तुम, मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों किया था तुमने उसका किडनैप। जिस पे बोलता है तुम्हारी बहन ने नहीं तुमने बिगाड़ा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मारूंगा। बरखा बोलती पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हाँ क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो मेरे परिवार के, मैंने किया है क्या। जिस पर कहते तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया, तुमने मेरी बहन की जान ली है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे आऊंगा, जेल से निकलने के बाद भी तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारे सारे अपनों को तुमसे छीन लूंगा। बरखा कहती मुझे कुछ समझ नहीं आया तुम्हारी कौन सी बहन, मैंने क्या किया। कहती ओ तुमने कितने लोगों का मर्डर किया जो तुम पहचान नहीं पा रही। इस पर बरखा होती मर्डर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। पर तभी नेहा समझ आती है कि कौन से मर्डर की बात कर रही है। तभी वो कहता है क्या तुमने मेरी बहन को नहीं मारा, हाँ कुछ याद आया इंडस्ट्रियल साइड पे जब तुमने उसे ऊपर से धक्का दे के मार दिया था।
रेखा बोलती, मैंने किसी की जान नहीं ली समझे, वो तो मुझे पता है तुमने ही मेरी बहन को मारा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इस पर बरखा होती, ठीक है तुम्हें जो सोचना है सोचो, अगर मैं मर रही होती तो मैं जेल के सलाखों के पीछे होती हूँ, आज़ाद में घूम रही होती समझे। इस पर कहते, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, पैसा खिला के तुम आज़ाद हो गए, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ये भी पता है कि मेरी बहन और तुम्हारी कभी नहीं बनी। इस पर बरखा होती, इसे लेके जाओ इंस्पेक्टर साहब, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बकवास कर रहा है। इंस्पेक्टर जो है वो लेके चला जाता है बरखा को, तभी चुटकी बती थी, वो क्या बोल रहा था बरखा होती, वो सिर्फ बकवास कर रहा था। चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ बरखा चुटकी को हक करके बैठी थी। चुटकी बती, दीदी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नेहा दीदी ने बोलो ना मुझे दूर हटे, मुझे पसीना आ रहा है, कब से चिपक के बैठी है मुझसे। जिस पे बरखा बती, मैं तुम्हें कुछ दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। छुटकी बती, स्कूल भी नहीं, मतलब मैं स्कूल की छुट्टी, ये बड़ा मजा आएगा। बरखा बती, कोई स्कूल की छुट्टी नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इस पर छुटकी बती, मैं रूम में जा रही हूँ, और छुटकी रूम में चली जाती हूँ। बरखा थोड़ी अपसेट बैठ रही थी, तभी नेहा बरखा के पास आके बैठते, बरखा का हाथ थाम के कहते, आई एम सॉरी, छुटकी का किडनैप मेरी वजह से हुआ था। इस पर बरखा बोलती, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। नेहा बोलती, उसे लगता है कि आपने उसकी बहन की जान ली, सच तो आप मैं जानते हैं ना। बरखा बोलती, फिर से फजूल बात स्टार्ट मत करो, आपने किसी की जान नहीं ली, ओके, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो उसके लिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। जहाँ तक बात है छुटकी की, तो छुटकी ने बोला ना आपकी वजह से तो वो उस किडनेपर के चंगुल से आज़ाद हुई है। नेहा बोलती, आई एम सॉरी। बरखा बोलती, प्लीज़ जान, किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करो, एंड आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया था। यहाँ बहुत ही अच्छा ओके, अभी बरखा नहीं आता, नहीं एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ बरखा को बोलती, चलो हम रूम में चलते हैं। उसके बाद बरखा और नेहा रूम में आ जाते हैं। यहाँ थोड़ी टायर्ड थी तो वो लेट के कुछ सोच रही थी। बरखा बोलती, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। नेहा बोलती, कुछ भी नहीं। इस पर बरखा बोलती, आपको पता है ना, आप मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे सब पता चल जाता है, तो प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाया करो। नेहा बोलती, मैं बस यही सोच रही थी कि कब तक लोग हमारे दुश्मन बने फिरेंगे, क्या हम सुकून से आज़ाद से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर अगर वो आपको कुछ कर देता तो, या फिर छुटकी को, तो मेरा क्या होता। बरखा बोलती, प्लीज़ वो सब मत सोचो, हमें कुछ नहीं हुआ ना, वैसे भी जब तक हम सब साथ हैं हमारा कोई बाल भी पाका नहीं रह सकता। इतना बोल के बरखा नेहा के पास आके उसे हक करके लेट जाती हूँ, कहती हूँ आई लव यू सो मच। नेहा बोलती, आई लव यू टू। बरखा बोलती, मैं छुटकी को देख के आती हूँ, तब बोल के बरखा छुटकी के रूम में चली जाती है। नेहा किचन में जाती है और वो मेट के साथ मिलकर कुकिंग करने लगती है, तभी मेट बोलती है कि मैं कुकिंग कर लूँगी। नेहा मैम आप क्यों कर रही हो। जिस पर नेहा बोलती है, मैं बस अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहती हूँ। मेट बोलती है, आप बहुत परेशान हो गई थी ना छुटकी को लेकर। जिस पर कहती हूँ, आई नो आप भी बहुत परेशान हो गई थी। जिस पर मेट बोलती है कि मेरा तो इन लोगों के साथ कोई भी नहीं रिश्ता नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों दोनों बच्ची अपनी लगती है ना, थोड़ी सी भी तकलीफ है तो मुझे भी दर्द होता है। नेहा बोलती है, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ भी कुछ यही है। इतना बोल के नेहा मेट के साथ कुकिंग करवाती है। कुकिंग कम्प्लीट होने के बाद नेहा मेट के साथ मिलकर खाना भी लगवाती है। वो फिर छुटकी के रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो छुटकी बरखा को नीचे लेके आती है। ये सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, मैनेजर भी आ जाते हैं। बरखा उससे पूछती है कि इंस्पेक्टर को बोला ना कि वो आदमी निकलना नहीं चाहिए जेल से। इस पर कहते हैं, मैंने बोल दिया, आई डोंट वरी, पुलिस वाले उसकी अच्छे से खिदमत कर रहे हैं, अगर वो जेल से निकला भी तो कभी भी हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। जिस पर बरखा उसे थैंक यू बोलती है, और फिर सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं। बरखा नेहा को बोलती है कि मैं आज छुटकी के साथ ही सोऊंगी। नेहा बोलती है, ठीक है ओके, आप अपना ख्याल रखना और सो जाना, ओके, जाती मत रहना। बरखा बोलती है ओके। बरखा छुटकी के पास रूम में चली जाती है, तभी छुटकी बोलती है कि नेहा दीदी कहाँ है, उन्हें भी बुलाओ ना मुझे, आप तीनों, मतलब हम तीनों साथ में बातें करेंगे और साथ में सोएंगे। जिस पर बरखा बोलती है, ठीक है तो मैं बुला के आती हूँ नेहा को। बरखा इतना बोल के नेहा के रूम में चली जाती है। बरखा नो कहते हुए थी, मैं कहा मीन। नेहा बोलती, अरे बरखा आपको परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ गई। जिस पर बरखा बोलती, आप सोए नहीं। नेहा बोलती, आपके बिना नहीं आती ना। बरखा बोलती, तो फिर चलो साथ में सोते हैं। नेहा बोलती, पर आप तो छुटकी के पास सोने वाली थी ना। बरखा बोलती, तो आप भी वही सोगी। जिस पर नेहा बोलती, नहीं छुटकी को शायद अच्छा नहीं लगेगा, मैं आई मीन। जिस पर कहती, अरे ऐसे कैसे अच्छा नहीं लगेगा, उसी ने मुझे बोला आपको बुलाने को। जिस पर नेहा बोलती, हाँ पर वो
जिसपे बल्कि नो पर नो ये नो वो, चलो चलो ना, बल्कि बोल के नेहा हाथ पकड़ती है। नेहा बोलती है, पर आप दोनों बहनों के बीच मैं क्या करूंगी। जिसपे बल्कि बोलती, ओ हेलो छुटकी, आपको भी अपनी दीदी मानती हूँ, ठीक है, तो अब आप भी उसके लिए कोई गैर नहीं, उसकी दीदी हो, तो चलो ज्यादा भाव मत खाओ ना। और उसके बाद नेहा कहती है, अच्छा ठीक है। फिर नेहा भी छुटकी के रूम में आ जाती है। हाँ छुटकी दिन में आ में थी, और बल्कि और नेहा दोनों अपोजिट साइड पे सोए हुए थे। छुटकी नेहा बरखा तीनों ही आपस में बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। मस्ती करते करते छुटकी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहती है मुझे नहीं सोना, मुझे तो मूवी देखनी है। जिस पे बरखा होती है, छुटकी सो जाओ ना, सुबह स्कूल भी है। छुटकी बोलती है, अरे मैं किडनैप हुई थी, तो मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ, आई मीन एक दो दिन का ब्रेक तो मुझे मिलना चाहिए ना। जिस पे बरखा होती छुटकी चुप। छुटकी बोलती, इससे तो अच्छा मैं आपको कॉल ही ना करती, कम से कम मेरा स्कूल तो एक दो दिन के लिए ऑफ हो जाता, सच्चा वही किडनैपर के पास ही रह जाती मैं। जिस पे बरखा होती, मार खानी है तूने। नेहा बोलती, ओके ओके रिलैक्स, एक काम करते हैं, 2 दिन तक नो स्कूल, ओके, और ना ही बरखा का कोई शूट, हम तीनों साथ में घूमने के लिए जाएंगे पिकनिक पे, बहुत मजा आएगा। बरखा बोलती, नेहा ये क्या कह रही हो आप। छुटकी बोलती, ये बहुत मजा आएगा नेहा दीदी, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। तब बोल के छुटकी नेहा को हग कर लेते, बरखा हंसने लगती है और कहती है, आप ना इसको बिगाड़ रही हो। जिस पर नेहा बोलती, सो व्हाट, बड़ी बहनें को काम ही क्या होता है, छोटी बहनों का बिगाड़ना ही तो होता है, राइट छुटकी। छुटकी बोलती, 100% राइट। और उसके बाद ये लोग एक मूवी देखते हैं, क्योंकि स्कूल तो सुबह जाना नहीं था। लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सिंग करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। फिर थक हार के छुटकी सो जाती है। छुटकी जैसे ही सोती है, बरखा छुटकी को थोड़ा साइड करती है और नेहा के पास उसके बाजू पे आके सो जाती है। नेहा हंसते हुए कहती है, हो बच्ची को नींद का फायदा उठा के साइड करती है उसे। बरखा बोलती, क्योंकि बच्ची ऐसे भी सो सकती है, पर ये बच्ची ऐसे नहीं सो सकती ना बिना आपके बाजू के। इस पर नेहा हंसने लगती है। फिर नेहा बरखा को किस करती है, कहती है, आई लव यू सो मच, चलो अब सो जाओ। बरखा बोलती, मेरी गुड नाइट किसी। नेहा बोलती, अरे छुटकी बगल में सो रही है। बरखा बोलती, तो वो बगल में सो रही है ना, वो नींद में, उसे क्या पता हम क्या करें, मेरी गुड नाइट किस। तो नेहा मुस्कुराते हैं, बरखा के फोरहेड पे किस करते, कहती गुड नाइट। बरखा बोलती, और यहाँ लिप्स पे। नेहा बोलती, अरे वो देख लेगी। बरखा बोलती, वो नींद में है प्लीज ना। तो नेहा बरखा के लिप्स पे किस करती थी, सो मच गुड नाइट। बरखा बोलती, हाय अब आएगी ना मुझे स्कूल की नींद। बरखा इतना बोलते नेहा के और भी पास आके सो जाती है। अगले दिन नेहा जब जगती है, तो बरखा और छुटकी दोनों ही सो रहे थे। नेहा बरखा के फोरहेड पे किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग। तभी छुटकी आके खोते हुए थी, और मेरी गुड मॉर्निंग किसी। जिस पर नेहा काफी ज्यादा ब्लश करती है, और फिर छुटकी को भी किस करते हुए कहती गुड मॉर्निंग बच्चा। तभी बरखा जग जाती है, कहती गुड मॉर्निंग। ये सुबह कितनी जल्दी हो जाती है ना, ऐसे लगा तो मैं अभी सोई, मुझे अभी और सोना है, क्या हम सो सकते हैं। छुटकी होती, नो वे, हमें पिकनिक पे जाना है, कम ऑन दीदी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कम ऑन उठो ना। वो छुटकी जबरदस्ती बरखा को वॉशरूम तक छोड़ के आती है, और फिर नेहा के साथ मस्ती करते हुए कहती है, यहाँ दीदी क्या मैं आपको भी वॉशरूम में छोड़ के आऊँ, तब जाके आप फ्रेश होगी। नेहा बोलती, ओके फाइन मैं जा रही हूँ। फिर नीचे टेबल पे मिलते हैं। नहीं तो बोल के अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो जल्दी से शावर लेती है, चेंज करती है और रेडी शेडी होकर नीचे आती है। जब नेहा नीचे आती है, तो एकदम शोर हो जाती है, क्योंकि बरखा आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। बरखा बहुत अच्छे से रेडी हुई हुई थी। नेहा बरखा को देखते ही कहती है, ओ वाह बरखा, यू लुक प्रीटी, आई मीन यू लुक डिफरेंट। नेहा यूँ बात को चेंज कर देते हैं, क्योंकि साथ ही छुटकी बैठी थी, जिसपे छुटकी हंसते हुए थी। आप वैसे करीब खुल के कर सकती हो, आई नो दीदी बहुत अच्छी लग रही है, और क्यों ना लगे, क्योंकि आज मैंने जो इन्हें रेडी किया है। जिसपे छुटकी की बात सुन के नेहा हंसते हुए थी, वाह छुटकी तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी दीदी पे क्या कलर सूट करेगा, कैसा ड्रेस सूट करेगा। छुटकी बोलती, वैसे मुझे ये भी पता है कि आप पे कैसे ड्रेसिंग सूट करेगी। जिसपे नेहा बोलती, अब कमॉन मेरी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी तो है। बरखा बोलती, तो क्या मेरी ड्रेसिंग सेंस खराब है। नेहा बोलती, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। छुटकी बोलती, अच्छा झगड़ा मत करें, अब जब हम शॉपिंग पर जाएंगे तो नेहा दीदी आपके लिए सारी शॉपिंग मैं करूंगी, और बरखा दीदी आपके लिए भी। बरखा बोलती, तो फिर हम शॉपिंग पे क्या करने जाए मैडम, तुम अकेले ही चले जाना। छुटकी बोलती, दीदी
क्या है आपको, क्यों मूड खराब कर रही हो सुबह सुबह? तो बल क्या होती, ओके बाबा नहीं करी मूड खराब। तो उसके बाद ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और एक हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि छुटकी की जिद थी कि सबसे पहले ये लोग मूव जाए। वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, और छुटकी नेहा के लिए एक ड्रेस लेती है, और ये ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा था, लाइक सूट था, जैसे लड़के पहनते हैं थ्री पीस वैसा था। और मैंने नेहा को रिक्वेस्ट किया था कि आप अभी चेंज करके आओ। नेहा बोलती पर मैं ये, हम किसी फंक्शन पे थोड़े जा रहे हैं, मैं ये क्यों पहनूं? छुटकी बोलती प्लीज दीदी मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकती। हाँ प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज मेरा दिल रख लो ना, पहन लो ना। इस पर बरखा बोलती अब इतना कह रही हो तो पहन लो ना। छुटकी बोलती प्लीज दीदी अब तो पहन लो। अब तो बरखा दीदी ने भी कह दिया। नेहा बोलती ओके फाइन। नेहा चेंज करके बाहर आती है। जब नेहा बाहर आती है, बरखा तो बस नेहा को देखती रह जाती है, बरखा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी छुटकी बरखा के कान में कहती है, देखिए फिर मेरी चॉइस लग रही है ना नेहा दीदी, एकदम हॉट एंड हैंडसम। तो बरखा यूँ छुटकी को घूरती है। बरखा बोलती आपको क्या लगा? मुझे नहीं पता नेहा दीदी और आपके बीच क्या चल रहा है। बरखा बोलती व्हाट? छुटकी बोलती मेरा मतलब कॉम्पिटिशन, कि कौन ज्यादा सुंदर दिखेगा, इसलिए तो मैंने नेहा दीदी को भी टक्कर का ड्रेस पहनाया। अब बताओ जरा कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। बरखा बोलती ऑफकोर्स तुम्हारे नेहा दीदी। और फिर नेहा बरखा के पास आते, कहती अरे यहाँ से तो वो तो नहीं हो जाएगा। इस पर बरखा बोलती नो यू लुक सो हैंडसम, आपके सामने तो इस दुनिया के सारे बॉयज फीके पड़ जाए। जिस पर नेहा ब्लश कर रही थी, बरखा और नेहा ऐसे आपस में एक दूसरे से कर रहे थे। तभी छुटकी हुई थी नेहा दीदी मानती है फिर आप मेरी चॉइस को? नेहा हंसते हुए थैंक यू फॉर द ड्रेस, यस माई चॉइस सच में बहुत अच्छी है। छुटकी बोलती चले फिर घूमने। नेहा बरखा कहते श्योर। उसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ नेहा ही ड्राइव कर रही थी। बरखा की नज़र तो नेहा से हटी नहीं गई थी। तभी नेहा बोलती है मैडम जी अपनी नज़रें मुझसे हटा लें, अगर मैंने आप पे नज़रें रख दी ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इस पेपर के बोलती बट मैंने आपको कहाँ देखा? नेहा बोलती मेरे अलावा आपने देखा ही क्या है? इस पेपर का काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर दिया। तभी छुटकी बोलती बस 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 दीदी यही रोको। तो नेहा जल्दी से गाड़ी की ब्रेक लगाती है। ये तीनों नीचे उतरते हैं, और ये मतलब एक बहुत ही सुंदर सी रोमांटिक सी प्लेस थी जहाँ छुटकी ने लाई थी। नेहा बोलती छुटकी अपनी एज से ज़्यादा बड़े काम करती हो, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? छुटकी बोलती अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन मुझे इस जगह को विजिट करना था। आपको पता है मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, मेरा जो फेवरेट व्लॉगर है ना वो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, उसने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को यही प्रपोज किया। पता है उसको क्या मानना है? कि जो भी कपल यहाँ आके अपने पार्टनर को प्रपोज करता है ना तो उनकी लव स्टोरी हमेशा कंप्लीट होती है, इसलिए उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले यही प्रपोज किया था। और आपको पता है अब तो वो शादी भी करने वाले हैं, इसलिए मेरा जो भी बॉयफ्रेंड होगा मैं तो उसे बोलूंगी मुझे यहीं पे प्रपोज करे। जिस पे बरखा छुटकी का कान खींच गई थी, अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए तुम्हें? हाँ अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाती हूँ मैं, अच्छे से जरा रुको तुम। और इतना बोल के छुटकी को थोड़ा थप्पड़ सा मार दिया ऐसे हल्का सा। जिस पर छुटकी बोलती दीदी बचाओ मुझे, नेहा दीदी क्या कर रहे हो, देखो आपकी जाने फ्रेंड मुझे मार रही है। नेहा बोलती क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, और हाँ भूल जाओ बॉयफ्रेंड एंड ऑल, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। छुटकी बोलती ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, अच्छा मैं वहाँ पे जाके पिक्स लेके आती हूँ ओके। इतना बोल के वो बरखा का मोबाइल लेके चली जाती है। नेहा मुस्कुराती हुए कहती है तो मैं आपको करूँ यहाँ पे प्रपोज? जिस पर बरखा बोलती क्यों आप क्यों करोगे, आपने कौन सा मुझसे शादी करनी है? यहाँ तो वो कपल एक दूसरे को प्रपोज करते हैं जो शादी करना चाहते हैं। जिस पर नेहा बोलती यस यू आर राइट, तो प्रपोज करना कैंसल। जिस पर नेहा तब उसके छुड़के के पास चली जाती है। बेचारी बरखा वो नेहा को जाते हुए देखते उसका मुंह लटक जाता है, कहती क्या सच में, क्या सच में नेहा मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती? पर कितना सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फॉर जेंस। पर एक ऐसी छोटी सी नैनी मुनी सी क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट शेयर के, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड हाँ गाइस आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी सुबह से, तो प्लीज़ प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। ओके मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।